हेलो श्रोताओं, अंग्रेजी दुनिया में आपको स्वागत। इमोशंस नीड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस नीड लैंग्वेज। दैनंदिन जीवित में जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत है, और अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो अंतरजातीय भाषा है, वो हमें बहुत ज़रूरी है। और उसकी तो इम्पोर्टेंस, उसकी प्रामुख्यता जो है, उसका शब्दों में बोलने के लिए मुझे शब्द कम हो जाएंगे। आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज इंग्लिश इज गेनिंग इम्पोर्टेंस डे बाई डे। उसकी जो प्रामुख्यता है दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, राइट। हम प्रीवियस सेशन में वेदर के बारे में स्टडी करे हैं, वेदर के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह की एक्सप्रेशंस जब हम वेदर के बारे में बोलते हैं तो किस तरह की एक्सप्रेशंस, किस तरह की वर्ड्स का इस्तेमाल होती है, रेनी सीजन या समर, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेवी रेन जो होती है, भारी वर्ष जो होती है, तो उसका हम किस तरह की वर्णन करेंगे, किस तरह की डिस्क्रिप्शन करेंगे, ये पूरा हम प्रीवियस सेशन में जान चुके हैं। इस सेशन में मैं आपको ऐसी क्रिया का, ऐसी शब्दों का मैं परिचय करने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप पोलाइटली, कर्टियसली आप रिक्वेस्ट कर सकेंगे, विनती कर सकेंगे आप पोलाइटली, और रिक्वेस्ट करके आप दूसरों का सहाय भी पूछ सकते हैं, हेल्प भी आप पूछ सकते हैं, या दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं। कौन, किस तरह के वर्ब्स, किस तरह के क्रिया हम इन सारी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में, सारी भाषा के सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तैयार है आप? राइट। पहली क्रिया जो है वो है कैन। पहली क्रिया जो है वो है कैन। कैन का मतलब होती है कर सकना, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार ड्राइविंग कर सकता हूं, कार चला सकता हूं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह में बात कर सकता हूं। आई कैन विन, मैं जीत सकता हूं। ये पूरा जो है एबिलिटी के बारे में, यानी कि प्लेसेस वेयर आई कैन विन, एबिलिटी के बारे में हम कैन जो क्रिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी के साथ साथ, एबिलिटी के साथ साथ कैन को हम रिक्वेस्ट में भी यूज करेंगे। रिक्वेस्ट यानी कि विनती। वो किस तरह की विनती है, जैसे कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफी, क्या मेरे को एक कप की कॉफी मिल सकती है। Can I suggest you something? Can I help you? Can I request you? इन सारी वाक्यों में politely, courteously request जो करना है वो हम can क्रिया से करते हैं। एक तो ability हम जान चुके हैं कि मैं I can win, I can speak good English। उसके बाद रिक्वेस्ट में हम कैन का प्रयोग करते हैं, विनती में हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन के बाद जो अगली क्रिया है वो है कुड। कुड का मतलब है पास्ट एबिलिटी, यानी कि पास्ट टेंस में एबिलिटी क्या होती है। 2005 में 2005 में
मैं 10 किलोमीटर चल सकता था। अभी ये 2017 है, 2017 है, अभी मैं केवल 5 किलोमीटर चल सकता हूं। एनर्जी थोड़ा कम हुई, उस साल में जो एनर्जी थी उस साल में मैं 10 किलोमीटर चल सकता था, वो मेरा पास्ट एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी है। आई कुड वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स इन 2005, दिस इज 2017, नाउ आई कैन वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स। कैन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, खुद जो होती है वो मोर फॉर्मल है, और फॉर्मल होती है। फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल। जैसे कि हम कैन में इस्तेमाल करें, कुड आई हेल्प यू, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, सेम रिक्वेस्ट हम कुड के साथ भी कर सकते हैं, सेम वही विनती हम कुड के साथ भी कर सकते हैं। और कुड टेलीफोनिंग में यानी कि फोन कॉल्स में भी बहुत इस्तेमाल करी जाती है। जैसे कि फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव को यानी कि रिसेप्शनिस्ट को जब हम फोन करते हैं तो हम उसे ए रिक्वेस्ट करते हैं कि कुड यू पुट मी थ्रू टू मिस्टर राजीव द मैनेजर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुड यू पुट मी थ्रू टू मिस्टर राजीव द मैनेजर, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर राजीव द मैनेजर, कुड आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट मी टू मिस्टर राजीव। इन सारे वाक्यों में कुड का एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, एक कार्टियस रिक्वेस्ट करने में कुड की प्रयोग की जाती है। याद रखिए और इसका सही प्रयोग कीजिए। कैन और कुड के बाद तीसरी वर्ब जो है, तीसरी क्रिया जो है वो है मे। मे का मतलब ये है कि वो हो सके या ना हो सके, उसका श्योरिटी नहीं है, उसका गारंटी कुछ भी नहीं है। जैसे कि ही मे कम टुमारो, उसका मतलब ये है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ही मे कम, ही मे नॉट कम टुमारो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। और मे रिक्वेस्ट में भी प्रयोग की जाती है। मे का प्रयोग लेटर राइटिंग में यानी कि खत लिखने में भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मे आई रिक्वेस्ट यू टू सैंक्शन माय लीव। आप ये समझिए कि आप आपके ऑफिसर को यानी कि मैनेजर को एक खत लिखे हैं कि आप एक हफ्ता लीव पे जाना चाहेंगे, तो वो बॉटम लाइन यानी कि लास्ट वाक्य जो होगी वो खत में आप ये लिखेंगे, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सैंक्शन माय लीव, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज परमिट मी टू गो ऑन लीव, मे आई रिक्वेस्ट यू टू सैंक्शन माय लीव, मे आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू गो ऑन लीव। ये सारे वाक्य जो हैं वो प्रैक्टिस में आपको फ्लुएंसी मिल जाएगी यानी कि आत्मविश्वास मिल जाएगी आपको। भाषा कभी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप इस्तेमाल करना नेग्लेक्ट कर दिए तो भाषा भूल जाने की संभावना है। शब्द हो या वाक्य हो वो हम भूल सकते हैं। अगर आपको नहीं भूलना है तो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, हर एक दिन प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं वाक्य अभी बोला हूँ, जो मैं शब्द अभी आपको परिचय किया हूँ, जैसे कि मे आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी, मे आई रिक्वेस्ट यू टू सैंक्शन, परमिट, सैंक्शन, दो नए शब्द, दो नए फ्रेजेस आपको याद रखनी पड़ेगी। आप अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखिए उसका ईमेल, चाहे वो ईमेल रहो या एसएमएस रहो, चाहे वो खत रहो, आप कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ ये शब्द, ये वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो हम अभी तक कैन, कुड और मे को उसकी
अर्थ जो है और उसकी प्रयोग जो है वो हम अभी तक जान चुके हैं, उसका हम अभी तक थोड़े एग्जाम्पल्स भी जान चुके हैं। इसके बाद जो क्रिया है वो है ठीक है, तो कैन, कुड और मे के बाद हमारी अगली क्रिया है विल और वुड, उसके बाद शैल और शुड। विल और वुड, शैल और शुड। विल एक तरह की श्योरिटी को यानी कि डेफिनेटनेस को बता सकती है। विल एक फ्यूचर एक्शन के बारे में हम इस क्रिया की प्रयोग कर सकते हैं। आई विल कम टुमारो, आई विल टीच यू गुड इंग्लिश, मैं जरूर आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यू विल स्पीक गुड इंग्लिश, आप जरूर अंग्रेजी में फ्लुएंटली बात कर सकेंगे। विल का मतलब या विल की क्रिया का मतलब होती है डेफिनेटली, श्योरली, और विल हम फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में विल की प्रयोग कर सकते हैं। और विल हम रिक्वेस्ट में भी यूज करते हैं, विनती में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि विल यू हेल्प मी इन फिलिंग अप द फॉर्म, विल यू हेल्प मी इन ड्राइविंग द कार, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, विल यू हेल्प मी इन ड्राइविंग द कार, आई हैव ड्रिवन सो फार, मैं अभी तक ड्राइविंग कर चुका हूं, मैं थक चुका हूं, क्या आप ड्राइविंग में मेरी सहायता कर सकते हैं, विल यू हेल्प मी इन ड्राइविंग द कार, विल यू ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप, विल यू ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप, क्या आप मुझे बस स्टॉप के पास ड्रॉप कर सकते हैं। पोलाइटली जो रिक्वेस्ट आप करते हैं उसमें विल क्रिया की प्रयोग की जाती है। उसके बाद वुड जो है, वुड क्रिया, WOULD, वुड क्रिया जो है वो यूज्ड टू यानी कि मैं उन दिनों में जो काम कर रहा था, जैसे कि मेरे बचपन में आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल एवरी डे इन माई चाइल्डहुड डेज, और व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था तो मैं साइकिल हर एक दिन चलाता था। आई वुड राइड बाइसिकल एवरी डे व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड इन माई चाइल्डहुड डेज। आई वुड ईट मेनी चॉकलेट्स इन माई चाइल्डहुड डेज, मेरे बचपन में मैं बहुत सारे चॉकलेट्स खाता था, अभी तो नहीं खा रहा। सो आई यूज टू का मतलब वुड क्रिया की सहायता से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड ईट मेनी चॉकलेट्स इन माई चाइल्डहुड डेज। उसके बाद वुड का प्रयोग हम पोलाइटली भी करते हैं, जैसे कि हम कैन में करे हैं, कुड में करे हैं, मे में करे हैं या विल में करे हैं, वुड जो होती है वो भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट में यानी कि ओबीडियंटली, बहुत ओबीडियंटली जब हम विनती करते हैं तो उसमें, उस वाक्य में, उस शब्दों में हम वुड की इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वुड यू हेल्प मी इन गोइंग टू द मार्केट, वुड यू हेल्प मी इन ड्राइविंग द कार, वुड यू हेल्प मी इन टाइपिंग द लेटर, इन राइटिंग द लेटर, क्या आप खत लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी इन राइटिंग द लेटर, क्योंकि मैं खत तो उतनी अच्छी तरह मैं नहीं लिख सकता हूं, आई कैन नॉट राइट लेटर्स वेल, सो वुड यू हेल्प मी इन राइटिंग द लेटर, वुड यू हेल्प मी इन लर्निंग गुड इंग्लिश, देयर इज नो बैड इंग्लिश हाउएवर, वुड यू हेल्प मी इन लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद कर सकते हैं। सो दीज आर द पोलाइट रिक्वेस्ट, ओबीडियंट रिक्वेस्ट विच वी कैन मेक वाइल आस्किंग समवन और रिक्वेस्टिंग समवन। उसके बाद जो क्रिया है वो है शैल।
शल यानी कि भविष्य काल में शल की प्रयोग की जाती है, जैसे कि आई शल कम टुमारो, लेकिन शल तो भविष्य काल में आजकल बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। विल की इस्तेमाल ज्यादा की जाती है, शल का कम इस्तेमाल करी जाती है। बट शल इज यूज टू नो द अदर पर्सन्स ओपिनियन। मेरे दोस्त का यानी मेरे नेबर का जो अभिप्राय जो है, ओपिनियन जो है, वो जानने में शल की इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि शल आई वेट डाउनस्टेयर्स, क्या मैं नीचे आपके लिए वेट करूं, इंतजार करूं मैं आपकी। शल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊं, शल आई कम टुमारो। शल आई वेट फॉर सम मोर टाइम, मैं और थोड़ी देर इंतजार करूं आपके वास्ते। दिस इज आस्किंग फॉर द सजेशन ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, दूसरी व्यक्ति का जो अभिप्राय है, उसका राय जो है, वो पूछने में हम शल की इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो दैट इज हाउ वी यूज शल। आफ्टर दैट दूसरी वर्ब जो है वो है शुड। शुड का मतलब है अगेन डेफिनेटनेस, यानी कि मैं ये ट्रस्ट करता हूं, यानी कि मैं आई बिलीव, आई ट्रस्ट दैट देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स, आई ट्रस्ट दैट देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स, आर देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। जहां तक मैं जानता हूं, प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए, देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। इफ यू फॉलो द लेसन्स केयरफुली, देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। अगर आप ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तो इंग्लिश बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ शुड हियर। सिमिलरली शुड इज अगेन यूज्ड इन द केस ऑफ कंडीशन। एक कंडीशन में शुड की इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कॉल मी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम्स है कुछ, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। शुड यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दैट इज वेयर वी यूज शुड। दीज आर द डिफरेंट वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफरिंग हेल्प, सहायता करने में, विनती करने में, या when we suggest somebody, जब दूसरों को हम सजेशन देते हैं, दूसरों को जब हम एडवाइस देते हैं, इन सारी एरियाज में, सारी फंक्शंस में हम ये जो कैन वर्ब यानी कि क्रिया है, कुड है, मे, शल, शुड, विल, वुड, इन सारी क्रियाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बिफोर आई क्लोज द सेशन, मैं ये सेशन एंड करने से पहले आपको थोड़े नए एक्सप्रेशंस के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, या मॉडर्न एक्सप्रेशंस के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि एस डब्ल्यू ए पी, swapped, 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 we swapped the phone numbers, यानी कि हम फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। मेरे ओल्ड टाइम्स फ्रेंड जो मुझे मिले, जब मैं उनसे मिला तो वी swapped द फोन नंबर्स, वी exchanged our फोन नंबर्स, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सके,
टच में रह सके. दैट इज द रीजन वी स्वॉप्ड द फोन नंबर्स. वी स्वॉप्ड द फोन नंबर्स. द अदर मॉडर्न एक्सप्रेशन दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, दूसरी मॉडर्न एक्सप्रेशन जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि बज, BUZZ, बज. पीपल से गिव मी अ बज, गिव मी अ रिंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 10 बजे मुझे आप एक बार कॉल कीजिए. गिव मी अ बज, गिव मी अ रिंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ताकि मैं भूल ना पाऊं. सो दैट आई वोंट फॉरगेट, प्लीज रिमाइंड मी एट 10 o'clock. गिव मी अ बज एट 10 o'clock. बजिंग somebody is calling somebody, किसी को फोन करना, यानी कि किसी को कॉल करना बज होती है, रिंग जो होती है. गिव मी अ बज, गिव मी अ रिंग. ये बहुत इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो स्पोकन कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. राइट. जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं अंग्रेजी में, वो क्वेश्चंस हम इस तरह पूछते हैं, जैसे कि यू आर कमिंग टुमारो, यानी कि आप कल आ रहे हैं ना, आप कल आ रहे हैं. उसका सही फॉर्म जो होगा, उसका सही स्ट्रक्चर जो होगा, वो ए है कि आर यू कमिंग टुमारो. यू आर कमिंग टुमारो इज रॉन्ग, आर यू कमिंग टुमारो इज करेक्ट. यू आर प्लेइंग टुडे, ये सही प्रश्न नहीं होगी. सही प्रश्न ये होगी कि आर यू प्लेइंग टुडे, आर यू राइटिंग द एग्जाम टुमारो इज द करेक्ट वन, नॉट यू आर राइटिंग द एग्जाम टुमारो गलत होगी. तो प्रश्न जब आप कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान दीजिए. प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होती है, जैसे कि आर यू, आर यू कमिंग, आर दे कमिंग, आर यू प्लेइंग, इज इट राइट. ये सही प्रश्न की प्रयोग होती है, यानी कि उसका यूज होती है. राइट. अगर मैं मेरे बिलोंगिंग्स के बारे में या पोसेशंस के बारे में जब मैं बताना चाह रहा हूं, तो मैं कैसा बोलूंगा? इफ आई वॉन्ट टू से दैट द बाइक, वो बाइक मेरी है, तो कैसे मैं बोल सकता हूं अंग्रेजी में? द बाइक इज माइन, द बाइक इज माइन, दैट इज माई बाइक. अगर हम तीन दोस्त हैं और हम तीनों दोस्त मिलके एक फ्लैट खरीद चुके हैं, वो हम अंग्रेजी में ये कैसे बोलेंगे कि वो फ्लैट हमारा है? दैट इज आवर्स, द फ्लैट इज आवर्स, द फ्लैट इज यूअर्स, द फ्लैट इज आवर्स, दैट इज माइन, माई फ्लैट. देयर्स, ये उनका फ्लैट है. द फ्लैट इज देयर्स, टी एच ई आई आर एस, देयर्स. ये हमारा है, आवर्स, आर्स, यूअर्स, theirs, mine. ये उनका फ्लैट है. इट इज हिज फ्लैट, हिज, हर, हर फ्लैट, हिज फ्लैट. इफ इट इज राजीव फ्लैट, आई विल से इट इज हिज फ्लैट, इट इज राजीव फ्लैट. इफ इट इज रानी फ्लैट, आई विल से इट इज हर फ्लैट, वो रानी की फ्लैट है. ये सारी वर्ड्स हम पोसेशंस, बिलोंगिंगनेस, जो ओनर्स जो होते हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो इन सारी वर्ड्स का यानी एक्सप्रेशंस का हम प्रयोग कर सकते हैं. राइट. इसके साथ साथ हम प्रोनंसिएशन के बारे में भी बहुत केयरफुली ध्यान देनी पड़ेगी. प्रोनंसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अगर आपका प्रोनंसिएशन गलत हो गई तो पूरी की पूरी मैसेज जो है, उधर लिजनर गलत समझने की संभावना होती है. जैसे कि ओडिशा से जो लोग हैं वो ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन, कनेक्शन. वो शास साउंड यानी कि इंफॉर्मेशन, कनेक्शन,
शा साउंड को सा बना देते हैं. सिमिलरली वरस्ट जो है आर साइलेंट है, वर्स्ट. एंड अगर कोई मलयालम बैकग्राउंड से है तो वो क्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन बोलेंगे. क जो है गा बन जाती है उधर. क्वालिफिकेशन, इट इज नॉट क्वालिफिकेशन, इट इज क्वालिफिकेशन. एजुकेशन, इट इज नॉट एजुकेशन, ग. अगर इफ समबडी इज फ्रॉम तमिल बैकग्राउंड, द वे ही क्वेश्चंस इज वेर, वेन्ना, वाटा, यू नो. When we pronounce a question, when we utter a question, it should be something like where, when, what, why. Pronunciation mein neutral pronunciation honi chahiye. Mother tongue ka, yani matru bhasha ka prabhav, angreji ki uchcharan mein nahi honi chahiye. Matru bhasha ka prabhav jo hai, wo hume reduce karni padegi, aur प्रोनंसिएशन न्यूट्रल करनी पड़ेगी. आशा है कि आपको जो इस प्रोग्राम में हम अभी तक जो क्रियाओं का, शब्दों का, एक्सप्रेशंस का जो हम इस्तेमाल करें हैं, बिगिनिंग फ्रॉम कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, एंड नए एक्सप्रेशंस जो है, वी स्वॉप्ड अवर फोन नंबर्स, SWAPPED स्वॉप्ड. याद रखिए, स्वॉप्ड का मतलब है एक्सचेंज अवर फोन नंबर्स. और बज, गिव मी अ बज, यानी गिव मी अ टिंकल. लोग बज को टिंकल भी बोलते हैं, TINKLE, टिंकल. टिंकल का मतलब है मिस्ड कॉल है, गिव मी अ टिंकल. तो इन सारे मॉडर्न एक्सप्रेशंस का और सही प्रश्न जो पूछनी चाहिए, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग, नॉट यू आर कमिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, दिस आर ऑल रॉन्ग. वाक्य का जो पहली क्रिया है, क्रिया से प्रश्न का प्रारंभ की जाती है. तो इन सभी चीजों का आप, आशा है कि आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और इन सभी चीजों का, सभी एक्सप्रेशंस का सही इस्तेमाल आप डे टू डे कम्युनिकेशन में करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.